हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अश्विनी कुमार गुप्ता है। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि पांडा क्या होता है और पांडा कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन उठता है, ये पांडा वर्ड कहाँ से आ गया हमारे सामने। तो देखिए, पांडा वर्ड, अगर आप एक वर्ड है डेटा साइंस, जो कि आज डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा सुनते होंगे, तो ये डेटा साइंस होता क्या है? और मैं आपको बता दूं, जो पांडा होता है वो इसी के अंदर यूज़ किया जाता है। सिंपल एक लाइन में बताऊं तो पांडा एक बहुत पावरफुल लाइब्रेरी है जो कि पाइथन में बनी हुई है, और हम इसका यूज़ डाटा साइंस में करते हैं। तो क्वेश्चन होता है, व्हाट इज़ डाटा साइंस? ठीक है, तो डाटा साइंस को समझने के लिए ज़रा हम एक चीज़ देखें। देखिए, डाटा साइंस होता क्या है? सपोज़ हमारे पास एक लार्ज सेट ऑफ डेटा है, बहुत बड़ी डेटा है। अब आप सोचते होंगे कैसा डेटा, तो चलिए इसका एग्जांपल भी मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि मेरे पास एक डेटा है। ठीक है, ये सिंपल एक डेटा है, मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है, अब आप सोचेंगे ये क्या डेटा है? तो ये एक सिटी का वेदर रिपोर्ट है। ठीक है, इसको मैंने इंटरनेट से डाउनलोड किया है। ठीक है, अब इस सिटी की जो वेदर रिपोर्ट है, जरा ध्यान दीजिए, यहाँ डेट दिया है, टेम्परेचर दिया है, ड्यू पॉइंट दिया है, ह्यूमिडिटी दिया है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें दी हैं इसके अंदर, और साथ साथ इसके आधार पे कौन कौन से इवेंट्स हुए उस दिन, ये भी मिला है। ठीक, अब ये मेरे पास लार्ज सेट ऑफ डेटा हो गया। अब इस डेटा को देखते हुए आपके मन में बहुत सारे क्वेश्चन उठते होंगे, जैसे कि पहले तो यही देखता हूँ कि किस किस दिन मेरा स्नो हुआ है। तो आप इस काम को करने के लिए मैंने क्या किया है, देखिए ये एक CSV फाइल है। CSV का मतलब कॉमा सेपरेटेड फाइल है, और कॉमा सेपरेटेड फाइल को आप एक्सेल में ओपन कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज कॉमा सेपरेटेड फाइल। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इस तरह की फाइल को आप एक्सेल में ओपन कर सकते हैं, और ये एक टेक्स्ट बेस्ड फाइल होती है। अच्छा, अब अगर मैं इस इवेंट पे मैं अगर फिल्टर लगा दूं, जो कि एक्सेल का ही एक टूल है, तो आप चाहते हो कि स्नो किस किस दिन हुआ है आपको देखना, तो आप ओके बटन पर क्लिक करो तो आपको पता चल जाएगा कि कुछ पर्टिकुलर डेट को स्नो हुआ है। इसके अलावा अगर आप इसमें से चाहते हो कि फॉग किस दिन हुआ है, तो आप स्नो को हटा के फॉग लगा लो, अगर हुआ होगा तो फॉग आपको पता चलेगा किस किस दिन हुआ है, और किस किस दिन रेन हुआ है। मतलब आप चाहो तो जो चाहो वो डेटा यहाँ से निकाल सकते हो इस एक्सेल शीट से। लेकिन क्वेश्चन एक है कि एक्सेल शीट की क्या है एक लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस का मतलब है कि भाई ये हो सकता है, हो क्या सकता है कि सिंपल जिसमें जितने नंबर ऑफ रोज होते हैं केवल आप उतने ही डेटा को कंटेन कर सकते हो। मान लो आप एक्सेल शीट के बियॉन्ड चले जाओ, ये सोचो कि मिलियंस ऑफ डेटा है। सपोज ये फेसबुक का एक डेटा होता तो आपको पता है कि फेसबुक का डेटा हम एक्सेल शीट में स्टोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक्सेल शीट की कैपेसिटी से बहुत आगे का है। तो अगर उस तरीके का कोई डेटा हो, या यही जो डेटा मिल रहा मेरा 1 month का ना हो, मान लो मैं मोर देन 50 ईयर्स का डेटा स्टोर करना चाहता हूँ, तो एक्सेल शीट में मैं नहीं स्टोर कर सकता हूँ। तो उस केस में मुझे क्या करना होगा, उस केस में मुझे कोई दूसरे टूल की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, जिस पे मैं यही एनालिसिस परफॉर्म कर लूँ। अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं एक्सेल शीट का एक रेंज के बाद यूज़ भी करता हूँ, तो एक समस्या और आएगी कि एक्सेल शीट एक स्लो वे में वर्क करेगी, और बहुत सारी मामले में वो एक्सेल शीट हमारी हेल्प नहीं कर सकती है। तो क्वेश्चन है कि इस काम को हम कैसे परफॉर्म करेंगे? तो देखिए, ये जो काम है यही कहलाता है डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स। इज ए प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग लार्ज सेट ऑफ डेटा पॉइंट्स टू गेट आंसर ऑन क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट डेटा सेट। ये हमारे पास एक डेटा सेट बना, और इस डेटा सेट पे जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उन क्वेश्चन का जो आंसर होता है वही डेटा साइंस कहलाता है। अब आज के डेट में डेटा साइंस एक बहुत मतलब ब्रॉड टॉपिक है, आज के डेट बर्निंग टॉपिक है, कि अगर सपोज कोई कंपनी है, कंपनी को मान लीजिए उसकी सेल को पता ना हो कि फ्यूचर में वो क्या सेल करेगी, तो जाहिर सी बात है उसके पास डेटा पे एनालिसिस करना होगा, और डेटा कई सारे सोर्स से आ रहा होगा। तो इस तरीके का जो डेटा एनालिसिस करना हमको जरूरत है, इस तरीके के लिए कोई टूल की जरूरत है जो कि एक पावरफुल हो, एक ओपन सोर्स हो, और अगर वो पाइथन में बना हुआ है और मेरे काम को बहुत इफेक्टिव बनाता है, तो मैं बता दूं उसका नाम है पांडास। अगर आप पांडास के बारे में थोड़ा तो देखना चाहते हैं, तो आप गूगल में जाओ और यहाँ पांडास लिखो और सर्च करो, आपको पहला जो लिंक मिलेगा वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि व्हाट इज़ पांडा। देखिए, पांडास इज़ ए फास्ट, पावरफुल, फ्लेक्सिबल एंड ईजी टू यूज़ ओपन सोर्स डेटा एनालिसिस एंड मैनिपुलेशन टूल बिल्ट ऑन द टॉप ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज।
आप यहाँ से देख सकते हो कि वॉट इज़ पांडा, और मैं इस पांडास को यहाँ पे यूज़ करूँगा। और पहले तो मुझे पांडास को इंस्टॉल करना होगा। तो पांडास को इंस्टॉल करने के लिए आपको क्या करना होगा, अपने कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करना है। और कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करने के बाद ध्यान रखिएगा कि आपके कंप्यूटर में उस समय नेट कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। और यहाँ लिखना है आपको pip install pandas pandas। ध्यान रखिएगा, इसको इंस्टॉल करने से पहले आपके पास आपके कंप्यूटर में पाइथन इंस्टॉल होना बहुत मैंडेटरी है। और अगर आपने पाइथन इंस्टॉल करते समय एड टू पाथ में टिक नहीं किया था तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पहले पाइथन को दोबारा इंस्टॉल करें और उसके बाद तब इस पांडास को इंस्टॉल करें। देखिए, इस तरीके से करने से आपका पांडास अभी इंस्टॉल हो जाएगा। और ये इंस्टॉल हो रहा है तब तक मैं एक काम करता हूँ, मैं पांडास को यूज़ करने के लिए मैंने जुपिटर नोटबुक का यूज़ करना है। तो मैं कमांड प्रॉम्प्ट एक दूसरा ओपन कर लेता हूँ और यहाँ लिखता हूँ, क्योंकि मैं एक फोल्डर में चलता हूँ जो कि मैंने सी ड्राइव पे बनाया, उसका नाम है एप्पल। तो मैं सी डी स्लैश करता हूँ और यहाँ लिखता हूँ सी डी एप्पल, और मैं इसके अंदर जाता हूँ और यहाँ मैं लिखता हूँ जुपिटर JUPYTER जुपिटर नोटबुक, ठीक है। और मैं पांडास को जुपिटर नोटबुक में ही यूज़ करूँगा। तो देखिए, मेरा नोटबुक भी ओपन हो रहा है, तब तक ये जुपिटर नोटबुक मेरा ओपन होने वाला है। और मैं देखता हूँ मेरा पांडास कहाँ तक इंस्टॉल हुआ। देखिए, इंस्टॉल होने वाला है जल्दी से, अब इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि जुपिटर नोटबुक भी आपने ऑन कर लिया है और आपको ये जो विंडो है इसको बंद नहीं करना है, तो इसको आप बंद मत करिए। और ये इंस्टॉल हो जाएगा, ये जो समय लेता है ये आपके सिस्टम के स्पीड पे डिपेंड करता है। देखिए, मोस्टली मैक्सिमम ये 8.2 एमबी का ये सॉफ्टवेयर था, तो इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ा टाइम लेगा। इसके बाद तब तक मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक न्यू फाइल बना लेता हूँ, ठीक है, पाइथन 3 में न्यू फाइल बना लेता हूँ। और यहाँ मैं पांडास का ट्यूटोरियल क्रिएट करूँगा और मैं यहाँ पे अनटाइटल पे लिख देता हूँ पांडास PANDAS पांडास ट्यूटोरियल, ठीक है, और पांडास अंडरस्कोर ट्यूटोरियल दे देता हूँ, ठीक है, और रीनेम कर देता हूँ इस फाइल को। साथ साथ अब मैं यहाँ पे पहली जो लाइन है वो लिखूँगा इम्पोर्ट पांडास। देखिए, फिलहाल अभी मेरा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तभी मैं ये काम कर सकता हूँ। देखिए, इंस्टॉलेशन सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड हो गया पांडास। अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और मैं इसको रन करता हूँ। देखिए, अगर मैंने इसको रन किया कोई एरर नहीं है, यानी मेरा पांडास प्रॉपरली इंस्टॉल हो गया। अगर मैं रन करता और एरर आता, इसका मतलब है कि मेरा पांडास इंस्टॉल नहीं हुआ है। अब इस पांडास का यूज़ करते हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर कैसे हम कोई काम करते हैं, इस लाइब्रेरी को कैसे यूज़ करते हैं, इसका मेथड्स को कैसे यूज़ करते हैं, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अगेन।